दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में और आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है गाइस वो आईटीओ दिल्ली मेट्रो का होने वाला है। तो आज इस मेट्रो से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि मेट्रो स्टेशन कैसे बना हुआ है और आसपास में कौन से बस स्टैंड है, तो किस तरीके से आपको मेट्रो में एंट्री करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो अगर आप गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जो कंटेंट है आपको देखने को मिलता रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो पे आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। गेट नंबर 5, यहाँ से भी आप एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। और 5 के पास में ये कुछ स्नैक्स वगैरह की दुकान है। और यहाँ गेट नंबर 5 से जो है आपको कौन कौन सी बसें मिलेगी आसपास के एरिया में जाने के लिए वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और यहीं गेट नंबर 5 के बैक साइड में जो है मार्केट लगती है यहाँ पे आईटीओ की। गेट नंबर 4 के पास में गाइस टॉल म्यूज़ियम है और ये चिल्ड्रंस बुक्स ट्रस्ट का है। और सामने ही यहाँ पे जो है पासपोर्ट ऑफिस है आईटीओ का और ये पूरा मार्केट है पासपोर्ट ऑफिस के सामने ही। तो अगर आप दिल्ली में कहीं से भी आ रहे हैं तो पासपोर्ट ऑफिस के लिए आपको जो है गेट नंबर 4 से एग्जिट करना है इन आईटीओ का। और ये सामने रिक्शा वगैरह लगे हुए हैं आसपास के एरिए में आपको यहाँ से ले जाएंगे। और सामने ही लिफ्ट है, सामने ही यहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है। तो मैं पास में चलता हूँ और यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बसेस हैं, कहाँ कहाँ के लिए जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है बैठने के लिए आपको गेट नंबर 3 पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैठने वगैरह के लिए, चाहे खाना वगैरह खाना हो तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है सारे गेटों के मुकाबले। जितने भी गेट मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाए हैं उससे ज़्यादा स्पेस जो है गेट नंबर 3 के पास में। तो अगर आपको बैठना वगैरह हो तो आप गेट नंबर 3 पे ही आके बैठिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है। गेट नंबर 2 आईटीओ का जो कि यहीं पे पास में ही रेड लाइट है। और इसके अपोजिट जो सामने देखेंगे गेट नंबर 1 है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। और ये रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे आसपास के एरिया में जाने के लिए। तो हम जो है जीने से नीचे चल रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ यहीं से उतर के। तो गेट नंबर 2 से आप निकलेंगे तो सामने भी एग्जिट का रास्ता था गेट नंबर 1 की तरफ जाने के लिए। तो गेट नंबर 1 और 2 का रास्ता सेम है और यहाँ से कुछ समय के लिए आपको जो है यहाँ से पैदल चलना होगा 2-3 मिनट। तो सामने लिखा भी हुआ है टिकट काउंटर के लिए। और दोबारा से जो ये ऐड फिर से चल रही है जहाँ से आप एंट्री करेंगे उस तरफ ही दिखाया जा रहा है। यहाँ से टोकन वगैरह मिलेगा आपको। इस एस्केलेटर से जो है आप एग्जिट की तरफ जा सकते हैं और जीने से जो है आप प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे। और ये सामने जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 लिखा हुआ है कि कश्मीरी गेट की ओर। और सामने वहाँ पे है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है राजा नहार सिंह की तरफ जाएगी मेट्रो। गाइस की प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है राजा नहार सिंह बल्लभगढ़ के लिए मेट्रो जाएगी। हुआ है कि टूवर्ड्स कश्मीरी गेट प्लेटफॉर्म नंबर 2। और उसी के पास में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि गेट नंबर 3 और 4 से आप एग्जिट करेंगे तो इन जगहों पे जो है आप जा सकते हैं। 1, 2, 5, 6 गेट नंबर पे बाहर एग्जिट करेंगे तो इन जगहों पे जो है आप जा सकते हैं। डायरेक्शन में जो गाइड जो है पहला कोच जो है वो लेडीज़ का होता है यहाँ पे। तो ये जो है राजा नार सिंह बल्लभगढ़ की तरफ जाने वाली जो मेट्रो है आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और नीचे ये स्टिकर भी लगा हुआ है कि ओनली फॉर लेडीज। नंबर 2 पे जो है कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो आ चुकी है तो यहाँ से कश्मीरी गेट के लिए जाएगी मेट्रो। ये ऐड चल रहा है मेट्रो स्टेशन पे और सामने उसके नीचे लिफ्ट है जो कि एग्जिट की तरफ जाने के लिए और प्लेटफॉर्म पे आने के लिए है ये लिफ्ट। तो ये पूरा चौराहा है गाइस आईटीओ का जो कि हर जगह जाने के लिए आपको बस वगैरह जो है दिल्ली में
जाने के लिए आपको यहीं से मिल जाता है। और सामने ही गेट नंबर 6 है, और ये था गेट नंबर 5 ITO का। और सामने ये जो मार्केट मैंने आपको बताया था छोटा सा, यहाँ पे शॉप वगैरह जैसे मोबाइल का या खाने पीने का या फिर जूस वगैरह फिर चाय वगैरह मतलब इस चीज़ें की दुकानें वगैरह आपको मिल जाएगी। और सामने ही ये लिफ्ट है प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए। पास में भी जो है ये बस स्टैंड बना हुआ है, और गेट नंबर यहाँ पे 4 के पास में भी जो है बस स्टैंड बना हुआ है। ये बस स्टैंड जो है ये रेड लाइट से जो है कुछ थोड़ा सा पीछे है जहाँ पे गेट नंबर 5 था। तो थोड़ा सा बैक साइड आएंगे तो आपको यहाँ से बसें वगैरह जो है आपको मिल जाएगी मेहरौली वगैरह के लिए। तो कौन कौन सी जो बसें आएंगी वो सब आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो 23 आई है अम्बेडकर नगर डिपो की जाने वाली बस। जो बस आई है 334 मेहरौली टर्मिनल के लिए। बस आई है गाइस 700 ए मधु बिहार द्वारका की तरफ जाएगी यहाँ से ITO से। और उसके पीछे जो बस आ रही है 411 अम्बेडकर नगर टर्मिनल की बस है। बस स्टैंड का जो नाम है लाला रामचरण अग्रवाल चौक ITO क्रॉसिंग। तो इस चौराहे के पास में जितनी भी बस स्टैंड बनी है वो हर जगह जाने के लिए आपको यहाँ से बसें मिल जाती है, जैसे कि आनंद बिहार, कापाशेरा बॉर्डर, बदरपुर, कश्मीरी गेट, 30,000 प्रगति मैदान। और ITO मेट्रो के पास में ही जो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन का। अभी जो मैं मेट्रो स्टेशन पर था ये वॉलेट लाइन था ITO का मेट्रो स्टेशन का। तो अभी मैं जो है गेट नंबर 3 और 4 के पास चल के आपको वहाँ का भी आसपास का जो एरिया है वो दिखाता हूँ आपको। 3 के पास में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर जो बस स्टैंड है ये बसें नंबर हैं जो ये बस जाएंगी यहाँ से सारी। तो अब कुछ ही मिनटों में जो है बस यहाँ पे आने वाली है क्योंकि रेड लाइट वहाँ से चालू हो चुकी है। तो अब बस जो है लगातार यहाँ पे आने वाली है। अब 104 बस नंबर जो है झरौदा विलेज के लिए जा रही है, और उसके पीछे जो बस है ये जो बस खड़ी है दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 पे जाएगी CP D2। तो ये ऐड देखिएगा इस बस स्टैंड पे कितना अच्छा लगा हुआ है, किसी भी किराएदार को बिना वेरिफिकेशन के जो है आप रूम मत दीजिए। तो आप जो बस आई है गाइस 793 दिल्ली सचिवालय की बस है। तो अब ये जो बस है 173 नरेला सेक्टर 4 और 5 की तरफ जाएगी बस ये। और ये बस जो आई है अभी यहाँ पे ब्लू कलर की 405 जो है मोरी गेट टर्मिनल की बस है। 274 बाबरपुर के लिए बस ये जा रही है। तो आशा करता हूँ कि गाइस जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा ITO मेट्रो स्टेशन का दिल्ली का वॉलेट लाइन का। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको मेट्रो का हो या फिर बस से रिलेटेड हो या फिर मेट्रो से कहीं भी आपको सफ़र करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट के जरिए आप जो है बताऊँगा कि आपको कैसे ट्रैवल करना है किसी भी जगह पर अगर आप चाहते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जो कंटेंट है आपको देखने को मिलता रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।